गाइस वेलकम टू अग्नि बैच आज हम चालू करने वाले हमारा सबसे पहला चैप्टर बट उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो पहली बार देख रहे हैं हम लेके आए हैं एक बहुत ही सिस्टमैटिक बैच जहां पे आपको मिलेगा आपका फेवरेट वन शॉर्ट वीडियो फॉर एवरी चैप्टर उसके साथ साथ आपको मिल जाएगी एनसीआरटी बेस्ड कंप्लीट पीपीटी एब्सुल्यूटली फ्री यही नहीं बल्कि आपको मिल जाएंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इन आवर टेलीग्राम हैंडल और उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग टू चैप्टर्स यू विल गेट द टेस्ट कंडक्टेड आल्सो इन आवर टेलीग्राम हैंडल सो इसके लिए क्या करना है सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड यू हैव टू क्लिक द गूगल फॉर्म उसको फिल कीजिए और टेलीग्राम हैंडल में अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए एंड दैट टू एबसोल्यूटली फ्री चलो भाई अब सब बात हो गई है तो आगे बढ़ते हैं सो इन चैप्टर आई विल बी स्टार्टिंग विद दी ऑर्गेनिज्म ओके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अब इधर मैं कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा इधर सारे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ओके ओवरऑल बेसिक्स बट यहां पे हम बहुत सारे चैप्टर्स का छोटा 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 एक कॉन्सेप्ट का इकट्ठा देख रहे हैं यहां पे ठीक है वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम ऑर्गैनिज्म ऑर्गेनिजम्स ओके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स के बारे में एंड बहुत सारा मॉर्फोलॉजी भी है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी है ठीक है सो लेट्स बिगीन की रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या एनसीआर आपको यह बताती है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है याद रखना है थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूं इट इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस गाइस इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पे एक इंडिविजुअल अपने ही तरह यंग वंस प्रोड्यूस कर सकता है बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है अपनी तरह मतलब कि ह्यूमन है तो ऑफकोर्स ह्यूमन देगा राइट right? डॉग तो नहीं देगा नेक्स्ट दैट इज लाइफ स्पैन द सेकेंड डेफिनेशन जो एन पूछती है वो ये है कि लाइफ स्पैन है क्या लाइफ स्पैन मतलब जहां से उसका बर्थ हुआ है वहां से स्टार्ट करके नेचुरल डेथ याद रखना है नेचुरल डेथ सुसाइड या ये सब काउंटर नहीं कर करना नेचुरल डेथ का जो टाइम स्लॉट रहता है दैट इज कॉल्ड एज योर लाइफ स्पैन और याद एक और चीज रखनी है कि ये साइज ऑफ द द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता ठीक है हर एक ऑर्गेनिज्म के अपने अपने अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं जो छोटे होते हैं उनके भी लाइफ स्पैन ज्यादा हो सकती है जो बड़े हैं उनकी भी लाइफ स्पैन कम हो सकती है okay. ओके नेक्स्ट पॉइंट यदि आप धरती पे आए हो तो आपका मृत्यु निश्चित है ये हमें पता है एवरी वन इज मोटा ओके मोटल तो हम लोग यहां पे देखते हैं सबका मृत्यु निश्चित है एक्सेप्ट एनसीआर बोलती है एक्सेप्ट योर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्यों उनकी उनका कोई एंड नहीं है हम देखेंगे कि एक सेल है ये दिस इज अ पेरेंट बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू टू ओके okay, इसने अपने आप को विकसित किया है जहां पे एक सेल डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है मतलब कि पेरेंट बॉडी ही डॉटर बॉडी बन रही है पेरेंट मर नहीं रहा है ठीक है सो दैट्स व्हाई द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर जनरली कंसीडर्ड एज इमॉर्टल ओके नाउ क्यू रिप्रोडक्शन करना है क्या क्या मजे यस yes, ऑफ uh, थोड़े बहुत ऑर्गेनिज्म इसको मजे के लिए जरूर करते हैं प्लेजर uh, के लिए जरूर करते हैं बट ई टॉक अबाउट मेजोरिटी ऑफ दर्गेनिजम हम लोग देखते हैं दैट दे डू टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ हमारी अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए हम ये करते हैं ठीक है और दूसरी चीज है टू एनेबल द कंटिन्यूटी मतलब कि हमारा जो नस्ल है हमारी जो कम्युनिटी है उसको बढ़ाने का काम भी काम के लिए हम लोग ये रिप्रोडक्शन करते हैं ना

So, मतलब यहां पे कोई सेक्स नहीं है ए सेक्शुअल में कोई सेक्स नहीं है और सेक्सुअल में कोई सेक्स है सो डिपेंडिंग अपॉन इट वी से कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट है हमें नहीं पता कि वो मदर है या फादर है बस एक पेरेंट है बट वेर एज वेन आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर बाय पेरेंटल मतलब कि इनमें दो पेरेंट्स एक माँ और एक पापा हमें देखने को मिलता है ओके okay. अगेन नेक्स्ट थिंग इज कि की जी इसमें कोई गैमेट्स नहीं बनते गैमेट्स मतलब हो जाते हैं स्पम एग ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बनता इसमें स्पोर्ट्स बनते हैं बर्ड्स बनते हैं ये सब होता है पर गैमेट्स नहीं बनते बट वेन टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ जी गैमेट्स बनेंगे बिल्कुल जी बनेंगे ओके okay, अब गैमेट्स ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन किस बात की सो so, यहां पे नो no फर्टिलाइजेशन ये भी हमें ध्यान रखना है यहां पे नो फर्टिलाइजेशन गाइज ओके वेर एज यहां पे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन होगा जी होगा बिल्कुल होगा क्योंकि गैमेट्स बने गैमेट्स है है एग है, तो उनको फ्यूजन करना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ठीक है आफ्टर दैट ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये फास्ट होगा जैसे आप बैक्टीरिया को ले लो 20 मिनट में डिवाइड हो गए ठीक है सो so, यस yes, ये जी कत फास्ट है बट वेर एज बेन आई टॉक अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज वेरी स्लो प्रोसेस हमें नौ नौ महीने लग जाते हैं एक बेबी प्रोड्यूस करने में ओके okay. नेक्स्ट यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस देखते हैं खास करके माइटोसिस एक सेल से दो दो से चार इस तरीके के प्रोसेस देखते हैं बट वेन आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें गैमेट्स बनाने और गैमेट्स बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए जी ऑफ कोर्स हमें चाहिए माइटोसिस भी चाहिए क्योंकि नंबर भी बढ़ाने पड़ते हैं प्लस मियोसिस भी चाहिए तो हमें दोनों प्रोसेसिस चाहिए ठीक है नेक्स्ट अब एक ही पेरेंट से उसके बच्चे बन रहे हैं कोई किसी के साथ मिक्सरण नहीं कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं तो कोई वेरिएशन नहीं जैसा पेरेंट होगा सेम टू सेम कॉपी उसके बच्चे होंगे राइट right? तो यहां पे हम देखते हैं बट no no यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ऑफकोर्स देखेंगे कि अट्टा कट्टा वेरिएशन आने वाले बहुत सारे वेरिएशन आने वाले ठीक है नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट क्योंकि पेरेंट्स के बिल्कुल डिट्टो कॉपी बनते हैं ये बच्चे दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स एन इस शब्द को भी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करती है क्लोन्स वेर एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स नहीं बनते जी क्लोन्स नहीं बनेंगे नो क्लोन्स डन हम लोगों ने पूरा पूरा डिफ्रेंशिएट पढ़ लिया कि सेक्शुअल और एसेक्सुअल में अंतर क्या है पूरा खत्म लेट्स मूव टू द इंडिविजुअल लाइफ स्पैन अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनिज्म की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता सो उसको मद्देनजर रखते हुए हम यहां पे क्या क्या चीजें देखेंगे द फर्स्ट थिंग रोज पांच से सात साल राइस तीन से सात महीने कभी कभार ये थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है बनियन ट्री फोर हंड्रेड प्लस ओके बनाना ट्री दो से तीन साल डॉग बाईस साल एक्चुअली बहुत ज्यादा बोल दिया बाईस साल वो एक्चुअली पंद्रह साल से चालू करके बाईस साल में बोलना चाहूंगा सो अलग अलग ब्रीड्स के अलग अलग एजेस बटरफ्लाई फ्रूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई के सिर्फ दो वीक पंद्रह दिन आप बोल सकते हो पैरट के वन फोर्टी ईयर्स या एनसीआरटी बोलती है क्रोकोडाइल सिक्सटी ईयर हॉर्स भी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी तक एक्सटेंड कर सकती है टॉटो इज वन टू वन फिफ्टी के आसपास क्रो फिफ्टीन ईयर काउ इज ट्वेंटी टू एलिफेंट इज फिफ्टी टू सेवेंटी यहाँ पे यदि आप कुछ नोटिस करेंगे तो क्रो के पंद्रह साल है विच इज अ बर्ड अगेन एंड पैरट वो भी एक बर्ड है पर उसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा ज्यादा है तो देख लिया साइज सेम है बट फिर भी लाइफ स्पैन वेरी कर रहा है So, कोई भी ऐसे लिंक नहीं है कि भाई साइज या ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे सो so, अब अपने बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ए रिप्रोडक्शन पे बहुत ही सिंपल है लेट्स इट सबसे पहले ए सेक्शुअल जैसे ही बोल दिया हम लोग देखते हैं कि यहां पे सिंगल पेरेंट होता है ये साफ शब्द लिखा हुआ है तो मैं उसको समझ गया कि हम लोग देखते हैं कौन करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम जनरली यही प्रीफर करते हैं छोटे से ऑर्गेनिज्म है क्या सेक्स बनाने का एनिमल्स ये सब सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स ये प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट यहां पे जो अपने ऑफस्प्रिंग देखेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अभी अभी मैंने बताया क्योंकि कोई मिश्रण है नहीं कोई दो पेरेंट्स नहीं है कोई फ्यूजन नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ पेरेंट एक सेल है उसको डिवाइड करके दो बनाने सो यहाँ पे हम एक चीज समझ गए हैं कि बिल्कुल आइडेंटिकल पेरेंट्स बनेंगे भले आप बात कर लो मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली बाहर से बात करो या उसके जेनेटिक बेसिस पे बात करो बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज योर क्लोन्स प्लीज ये क्लोन शब्द याद रखिए

ठीक है अब फ्यूजन को भी अलग अलग टाइप्स में रखे गए हैं बाइनरी फ्यूजन है और मल्टीपल फ्यूजन है पर इन सब के बारे में अब डिटेल में हमें बात करनी है लेट इट सबसे पहले घुसता हूं मैं फ्यूजन के ऊपर अब फ्यूजन है क्या मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया उसका मतलब हो जाता है ब्रेकडाउन ठीक है इसका मतलब हो जाता है ब्रेकडाउन हम देखेंगे कि पेरेंट सेल होगा वो या फिर दो सेल में डिवाइड होंगे या फिर दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं एक सेल टूट के दो या दो से ज्यादा डिपेंडिंग ऑन इट एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं दैट इज योर प्रोटेस्टा और मुनेरा ये वाले जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा यही सिलेक्ट करते हैं ये फ्यूजन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है ओके okay? और इस पर भी दो टाइप है सबसे पहले आ जाता है बाइनरी कभी भी बाई वर्ड सुनो उसका मतलब होता है दो ओके बाइनरी और फिजन मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं मतलब कि एक पेरेंट सेल यदि दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो देन इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन खत्म समझ में आया वर्ड को समझने की कोशिश करो अपने आप पता चल जाएगा बाइनरी फिजन मतलब तोड़ना है और तोड़ के दो सेल्स में कन्वर्ट करना है दैट इज कॉल्ड एज योर बाइनरी फिजन आप देख सकते हो पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इंडिविजुअल्स और ये कौन करता है ऑफ कोर्स अमीबा करता है पैरामिशियम करता है अच्छा इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं क्योंकि ये अपने अमीबा का शेप इेगुलर है तो इसको इरेग्यूलर फिजन बोला जाता है ठीक है कोई 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 करता करता है है तो फिजन, फिजन कौन करता है तो आपका जो पैरामिशियम है वो ट्रांसवर्स मल्टीपल फिजन अब मल्टीपल फिजन क्या है मल्टीपल मतलब मोर देन टू ओके इट इज बेसिकली मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा यहां पे जरा आइए इसके बारे में अपने बात करते हैं सेल को डिवाइड करके बहुत सारे बच्चे बनाने, बहुत सारे सारे बच्चे बनाना इंडिविजुअल इसके लिए भी अमीबा है ठीक है आप यहां पे फिगर में देख सकते हो बाइनरी फिजन में आपके पास जो पहले अमीबा था वो अमीबा में सबसे पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ओके फिर उसके बाद पूरा का पूरा सेल बीच में से कटने लगा विच इज कॉल्ड एज योर साइटोकाइनेसिस मतलब पूरा का पूरा सेल ही डिवाइड हो गया दैट इज है और आपको मिल गए दो डॉटर दिस इज फर्स्ट वन दैट इज ये क्या होता है बाद में बात करते उसके अंदर बहुत बार होता है बहुत बार माइटोसिस होगा और माइटोसिस हो बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनाएगा और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा फटो और सारे अमीबा बाहर आपको मिलेंगे बहुत सारे बच्चे टॉक अबाउट दिस मल्टीपल फ्यूजन ये क्या है और ये सिस्ट क्या है तो होता है ऐसा है कि अमीबा को जब लगता है ना कि यार एनवायरमेंट सही है कोई दिक्कत नहीं है तब वो बाइनरी फ्यूजन कर लेता है बट जब उसको लगता है यार एनवायरमेंट कत कत गंदा है तो मेरे को ग्रो होना ही नहीं है तो वो क्या करता है अपने ऊपर सिस्ट बना लेता है ठीक है अपने ऊपर एक मस्त प्रोटेक्टिव कोटिंग शीट जैसा बना लेता है विच इज कॉल्ड एज सिस्ट ओके okay, तो चलो बात करते हैं देखो यहां पे अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान हम देखते हैं कि अमीबा सबसे पहले अपने सुडोपोडिया क्योंकि सब फैला के रखते हैं तो सबसे पहले तो सुडोपोडिया को अंदर ले लेगा अपने आप को एक गोल स्ट्रक्चर बना देगा ठीक है फिर अपने ऊपर वो तीन लेयर की हार्ड कवरिंग बनाता है अपने ऊपर तीन लेयर की हार्ड कवरिंग बनाता है जिसको अपने अब बोलते हैं सिस्ट याद रहेगा सिस्ट क्या है ठीक है और फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस ये जो सिस्ट बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनसिस्टेशन एनसिस्टेशन को नहीं भूलना है और फिर जब उसको लगेगा कि हाँ यार फेवरेबल कंडीशन है अब वातावरण वापस से नॉर्मल हो रहा है तो हम देखेंगे कि वो जो अमीबा है वो अंधाधुन डिवाइड होना चालू करेगा अंधाधुन अंदर ही अंदर सिस्ट के अंदर बहुत बार डिवाइड होगा और डिवाइड हो हो के बहुत सारे सूडोपोडियोस्ट बनाता है सूडोपोडियोसोर्स बनाता है और फिर जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ अब तो वातावरण परफेक्ट है ओपी ओपी है अपना ये वातावरण तो क्या करेगा अपने सिस्ट को ब्लास्ट करेगा एंड इट विल कम आउट दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर स्पोरेशन ठीक है तो इसको बोलते हैं स्पोरियुलेशन सो अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर बर्डिंग लेट्स सी टू इट सो अभी बर्डिंग के बारे में बात करें तो ये होता क्या है पहले बर्ड का मतलब समझते हैं बर्ड का बेसिक मतलब हो जाता है अ स्मॉल लम ओके स्मॉल लम्प ऑफ सेल्स मतलब कि एक छोटे सेल्स के गुच्छे होते हैं जिसके हेल्प से जो कि स्टेम से निकल सकता है रूट से निकल सकता है कहीं से भी निकल सकता है ठीक है और वहां से एक छोटा सा बर्ड निकलना मतलब वहां से फिर नया लीफ जर्मिनेट भी हो सकता है या पूरा का पूरा प्लांट भी जर्मिनेट हो सकता है जैसे कि वेजिटेटिव प्रपोगेशन पे भी आपने आगे बात करेंगे एक छोटा सा बर्ड डेवलपमेंट क्या होता है राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर हमारा जो मेन ध्यान है वो है ईस्ट के ऊपर ठीक है यहां पे आप देख सकते हो इसमें एग्जैक्टली exactly होता गया एक छोटा सा बर्ड आता है पेरेंट बॉडी के ऊपर जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो दिस इज ईस्ट अ मेच्योर ईस्ट सेल अब उसके ऊपर एक छोटा सा लंप बना एक गट्टे जैसा बनाया ठीक है थीके? और सबसे पहले हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन न्यूक्लियस दो हिस्सों में बट चुका है थोड़ा सा न्यूक्लियस वो बर्ड को दे दो ठीक है तो आप देख सकते हो ये जो न्यूक्लियस है वो चला जाता है बर्ड में एज यू कैन सी ओवर हियर एंड फाइनली जैसे ही सब कुछ सब कार्यक्रम पच जाता है क्या होता है वो वहां से डिटैच हो जाता है जैसे ही वो मेच्योर हो जाएगा वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और अपने आप को एक नया इंडिविजुअल सो दिस इज बेसिकली द न्यू डॉटर ईस्ट खत्म ईजी ओके okay, ये चीज ईस्ट भी कर सकती है स्पॉन्ज भी कर सकते हैं और हाइड्रा भी करते हैं जैसे कि आप नीचे हाइड्रा का फिगर देखिए इस यू कैन सी पहले एक छोटा सा लंप बन रहा है वहां से वो बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है जैसे वो बर्ड बड़ा हो गया है वो डिटैच हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल में जर्मिनेट हो गया है खत्म ओके okay, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक आ, इमेज भी दिखा रहा हूँ रियल लाइफ इमेज जहां पे आप देख सकते हो कि हाइड्रा के किस तरफ एक छोटा सा बर्ड बना हुआ है जो थोड़ी देर बाद डिटैच हो जाएगा और अपने आपको एक नया इंडिविजुअल बना देगा ना टेशन सबसे पहले फ्रेगमेंट का मतलब समझते फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसिस या टुकड़े एक बड़ा सा है, उसको मैं बीच में से तोड़ू, या तीन पार्ट में तोड़ू इट्स माय चॉइस नॉट माय चॉइस देर चॉइस ओके वो अपने आप दोस्तों दो, तीन हिस्सों में टूट जाते हैं देन वॉट विल हैपन हम देखेंगे जैसे आप यहां पे देख सकते हो हाइड्रा बीच में से सीधी टूटा है तो टूटने के बाद ये ऊपर वाला अपने आप को एक नया हाइड्रा बना सकता है और नीचे वाला अपने आप को एक नया हाइड्रा डन तो अपने आप को फ्रेगमेंट करने के बाद अपने आप फर्दर रीजनरेशन करके वो कंप्लीट कर देगा अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी ठीक है याद रखना रीजनरेशन थोड़ा सा अलग होता है ठीक है रीजनरेशन का मतलब होता है जैसे कि लिजर्ड करते हैं लिजर्ड्स क्या करते हैं मान लीजिए उनका पूछ के, बिकॉज ऑफ सर्टन सिनेरियो उनका पूछ कट scenario, उनका पूछ गया ठीक है सो जो लिजर्ड होता है वो पूछ बना सकता है वो पूछ को रीजनरेट कर सकता है बट क्या वो पूछ से पूरा पूरा लिजर्ड बन सकता है नहीं ठीक है तो जब कोई ऑर्गन डिटैच हो जाए वो ऑर्गन को मैं डेवलप करूं दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन जो कि लिजर्ड भी कर सकता है बट फ्रेगमेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रीजनरेशन यहां पर हम देख रहे हैं जो टुकड़े है, एक टुकड़ा पूरा नया ऑर्गेनिज्म नया नीचे वाला टुकड़ा वो खुद का नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है सो so, दिसमेंटेशन आगे बात करते हैं ठीक है स्टैंडर्ड इलेवंथ में आप लोगों ने पहले से ही इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो फटाफट देख लेते सबसे पहले यहां पे बनते हैं बच्चे कायदेसर सी बात है टिव प्रोपोग्यूल आर बेसिकली यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब पहले बोल रहे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोपोग्यूल से होता है फिर बोलते हैं प्रोपोग्यूल ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक बार इट्स अ कंफ्यूजन सिंपल बेसिस पे अपने यदि समझने की कोशिश करें इट इज लाइक कि फ्लावर को छोड़ के मैं आपको एक प्लांट में बात करूं तो फ्लावर को छोड़ के क्योंकि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट हो वहां से तो बच्चे बनने ही है बट फ्लावर को छोड़ के बाकी के पूरे बॉडी में से कहीं से भी आप यदि नया प्लांट उगा सको या प्लांट खुद अपने आप नया प्लांट उगा सके बच्चे बना सके दैट इज कॉल्ड एज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है और जहां से उगता है जहां से ये छोटी सी कली निकलती है बर्ड निकलता है उसको अपने बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल और उस वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल से पूरा प्लांट बन सकता है यस सो so, हम लोगों ने इतना तो समझ लिया है कि प्रोपोग्यूल क्या होता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एग्जैक्टली क्या है

सरफ़ेसेस बनाती है ठीक है आंखों वाली ठीक है आंखें जब बंद होती है तो आंखों का कैसे ऊपर का शेप होता है बिल्कुल ऐसे टर्न वाली शेप बनाती है सो दैट्स दे आर कॉल्ड एज आइज और इन्हीं आइज में हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि वहां पर हो गए नोड क्योंकि इधर डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल है नोड्स वहीं प्रेजेंट रहेंगे ऐसा मान लेते हैं एंड वॉट विल हैपन ये नोड में से एक छोटा सा आपने देखा होगा कभी कभार आपने यदि आलू को बहुत दिनों तक रहने दिया उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी गिरा गया पानी गिर चुका है तो आप देखोगे कि उसमें से छोटा सा बर्ड निकलता है एक छोटा सा सफेद कलर का बर्ड निकलता है और फिर वो बर्ड धीमे धीमे बड़ा हो सकता है एंड इट कैन गिव राइज टू अ न्यू शूट इज दैट क्लियर दिस इज योर बर्ड्स नेक्स्ट थिंग आ जाता है आपका राइजोम राइजोम किस किस में होता है बनाना और जिंजर ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीआर में है लर्न कर लेना राइस ठीक है so, सो आप देख सकते हो ये जो लाइन्स आपने जिंजर के ऊपर शायद देखे होंगे वो उसके नोड्स होते हैं दैट इज फॉर श्योर और दो नोट्स के बीच में जो गैप होती है वो इंटर नोड होता है हम देखते हैं उनके नीचे एडवेंटिटियस रूट डेवलपमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाता है जैसे ही थोड़ा सा पानी मिल जाए ठीक है तो जैसे ही पानी मिलेगा रूट डेवलप करेंगे वहां पे भी छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं ठीक है छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स बनते हैं ठीक है और उस बर्ड्स में से एक पूरा का पूरा नया शूट डेवलप कर सकता है इन योर जिंजर एंड बनाना ओके सो यस दिस इज ऑल अबाउट इट आप देख सकते हो दे आर मॉडिफाइड स्टेम जिसमें नोड्स प्रेजेंट रहते हैं और उसी नोड्स के कॉन्टैक्ट में नोड जब सॉइल या पानी के कॉन्टैक्ट में आता है वहां से नया रूट और नया प्लांट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बात करेंगे एडवेंटिटियस बर्ड के बारे में फिर बात करेंगे बल्बिल्स अगेवी में ऑफसेट के बारे में बात करेंगे विच इज योर वाटर हाईशिथ और बात करेंगे रनर्स सकर ट्यूबर बल्ब चलो एक एक करके देखते हैं सब फिगर में समझेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी एडवेंटिटियस बर्ड के बारे में ओके एडवेंटिटियस बर्ड वापस एक बार स्लाइड की तरफ ले चलता हूं हम लोगों ने देखा था ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम लिखा हुआ है ये जो लीफ आप देख सकते हो द फर्स्ट डायग्राम दैट यू कैन सी दैट इज ऑफ द ब्रायोफाइलम ठीक है वो ब्रायोफाइलम में कैसा रहता है ये लीफ है लीफ के बॉर्डर्स में ओके okay, बॉर्डर्स में एट दी कॉर्नर्स यू कैन सी छोटे छोटे ऐसे ग्रोथ आप देख सकते हो ठीक है लीफलेट छोटे छोटे लीफलेट आए हैं आप देख सकते हो किसी किसी में रूट्स भी आ चुके हैं जब ये पत्ता कट के जमीन पे गिरेगा वहां से पूरा नया 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 नया, नया प्लांट डेवलप हो सकता है हर एक वो छोटे छोटे सेक्शन नए प्लांट में डेवलप हो सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है ठीक है फ्लावर जर्मिनेट ही नहीं करना है और एक साथ देखो कितने सारे प्लांट्स बन सकते हैं इकट्ठे ओके सो दैट इज कॉल्ड एज योर एडवेंटिटियस बर्ड नेक्स्ट थिंग पे आ, आ जाते हैं दिस इज कॉल्ड एज योर एगेवी बल्बिल्स होते हैं इसमें अब होता कैसा है ये जो अगेवी होते हैं वो थोड़े से एलोवेरा जैसे दिखते हैं आई होप एलोवेरा सबको पता है तो उसमें से हम देखते हैं लंबा सा पाइप ऊपर जर्मिनेट होता है ठीक है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं पर मैंने क्या बोला ये रिप्रोडक्शन है तो जस्ट फ्लावर के बिल्कुल नीचे छोटे 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 छोटे, -छोटे बल्बल डेवलप होते हैं छोटे छोटे बल्बल्स मतलब वो ऐसे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे स्ट्रक्चर जस्ट फ्लावर के नीचे डेवलप होता है वो स्ट्रक्चर जब जमीन पे गिरेगा वहां से वो नया प्लांट डेवलप हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज योर बल्बिल्स समझ में आया सो दिस इज योर बल्बिल नेक्स्ट थिंग टेरर ऑफ बेंगाल टेरर ऑफ बेंगाल क्यों इसको टेरर ऑफ बेंगाल बोला जाता है यार नाम बदनाम करके रखा है यहां पे हम देखते हैं कि ये एग्जांपल है ऑफसेट का ठीक है ये एग्जांपल है ऑफसेट का वाटर हाइजिंत इसको बोला जाता है इसमें एक्चुअली है कैसा आप देख सकते हो देर इज अ पेरेंट बॉडी है हाँ ना देर इज अ पेरेंट बॉडी अब पेरेंट बॉडी में से आप देख सकते हो एक छोटा सा पाइप निकला है ओके okay? एक डेवलपमेंट है सब कुछ पानी के अंदर चल रहा है एक्चुअली यहाँ तक पानी से घिरा हुआ रहता है ठीक है यहाँ तक पानी से घिरा हुआ रहता है तो पानी के अंदर से ही जो पेरेंट प्लांट होगा एक छोटा सा स्टॉक बनाता है और वहाँ से नए स्टेम रूट डेवलप करके वो एक नया बेबी प्लांट बना सकता है और ऐसे करके पूरे लेख को फैला सकता है एंड दैट्स वाई डॉल्ड एस टेर ऑफ बेंगाल क्यों क्योंकि ये जोट्स है वो पानी में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है अब यार लेक में एक तो मांड पानी होता है ऑक्सीजन होता है अब वो भी तुम सोख लोगे तो एक्विटिक लाइफ का क्या होगा तो एक्विटिक लाइफ बेसिकली यहाँ पे मरते हुए नजर आते हैं ठीक है एक्विटिक लाइफ ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एस टेरर ऑफ बेंगाल ओके okay, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ में ये हानि पहुंचा रहा है लेके तो आया गया था बाहर से लेके आया गया था कि भाई बड़ा डेकोरेटिव प्लांट है एक्वेटिक प्लांट है मस्त ऐसे रहेगा अच्छा लगेगा बट उसको इतना पसंद आ गया हमारा एटमोस्फियर कि अंधाधुन अब ग्रोथ कर रहा है ठीक डन द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज दी रनर्स रनर्स के बारे में बात करें इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरीज ओके okay, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरीज ओके okay, तो स्ट्रॉबेरीज के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें से जो स्टेम होता है स्टेम में से ही एक वर्टिकल ओके मींस यू कैन बेसिकली से बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर एक दूसरा स्टेम डेवलप हो जाता है और वहां से एक नया प्लांट आप जर्मिनेट होते हुए देख पाते हो यहां पे बात करें सकर्स के बारे में सकर्स का बेस्ट एग्जांपल हो जाता है मिंट मिंट में आप देख सकते हो कि रूट्स के ही सेक्शन से एक छोटा सा छोटा सा आ, कैन से स्टेम डेवलपमेंट चालू हो जाता है और वहां से पूरा का पूरा एक नया प्लान डेवलप हो सकता है ना द लास्ट पॉइंट दैट इज की भैया जी और अलग अलग मैथड क्या है तो सबसे कॉमन जो मैथड हो जाता है दैट इज विध दाउ टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले आ जाता है जू स्पोर्ट्स जू स्पोर्ट्स क्लामाइडोमोनास में देखे जाते हैं अब जो क्लामाइडो मोना होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है राइट right? सबसे पहले ये जो क्लामाइडोमोना होगा ये अपने दो फ्लैजिला को पहले तो अंदर खींच लेगा जब कंडीशन एकदम फेवरेबल होगा तब वो अंदर खींच लेगा हमें पता है कि ये जो क्लामाइडोमोना होते हैं दे आर बेसिकली बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ एल्गी ओके तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है सबसे पहले फ्लैजिला को अंदर खींच लेगा फिर वो क्या करता है अंधाधोन अंदर ही अंदर वो डिवाइड होना चालू हो जाता है अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जू स्पोर्स बनाते हैं और फिर जैसे ही कंडीशन कत अच्छा रहेगा वो अपना जो पेरेंट का जो सेल वॉल है वो फोड़ेगा और फोड़ के सारे जूसपोर्स बाहर और सारे जूसपोर्स क्लेमाइडोमोना बन सकते हैं सो दैट इज ऑल अबाउट योर जूसपोर्स ठीक है नेक्स्ट थिंग कोनीडिया कोनीडिया एक्चुअली देखा जाता है पेनिसिलियम में अच्छा पेनिसिलियम के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर दूं तो आपको तो पता ही होगा कि पेनिसिलियम इज बेसिकली अ फंगस ठीक है वो एक लंबे लंबे फिलामेंटस फंगस होते मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस फंगस होते हैं ठीक है थीके? उसके ऊपर से हम देखते हैं बिल्कुल वर्टिकल ग्रोथ में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है ठीक है एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको अपने बोलते हैं कोनीडियो फोर ओके कोनीडियो फोर में हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर वाले पे माइटोसिस कर करके ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन आप देख सकते हो जो कि है कूनिडिया और ये कोनीडिया जैसे ही मेच्योर हो जाएंगे दे विल डिटैच हवा आएगी और सारे कोनीडिया जहां पे भी उसको ग्रोथ करने के लिए अच्छा लगेगा वहां पे जैसे गिरेगी वहां से नया पेनिसिलियम डेवलप हो जाएगा ठीक है एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज गैम्यूल जो कि स्पॉन्जीज में देखने में मिल जाती है अब होता क्या है स्पॉन्जी जो है वो एक्वेटिक लाइफ है ठीक aquatic, uh, है एक्वेटिक प्लेस में मौजूद रहते हैं तो वो पानी के अंदर प्रेजेंट है अब जैसे ही हम लोग बात करें उसको रिप्रोड्यूस करने का रहता है वॉट इट विल डू इज इट विल प्रोड्यूस गैम्यूल

तब इस गेम्यूल्स में से सारे छोटे छोटे स्पोर्स और बर्ड्स बाहर निकलेंगे एंड यू कैन सी ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग है तो वहां से सारी की सारी बाहर निकलेगी और जहां पे भी सॉइल पे गिरेगी वहां से नया स्पॉन्जी डेवलप हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीका है इनके लिए भी ठीक है सब अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ कर रहे हैं ताकि अपने नस्ल को आगे बढ़ा सके स्टफ इन माइंड हम देख रहे हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही कॉमन मेथड है सारे के सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म में अभी तक जितने भी थे एल्गे फंगस इन सबके लिए यही एक माध्यम है ठीक है बट अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई विकसित करते करते हम देखते हैं कि दे आर शिफ्टिंग टू द सेक्शुअल मेथड्स ऑल्सो तो सेक्शुअल मेथड भी करेंगे अभी अभी अपने देखने ही वाले इसके बाद हाँ एक चीज याद रखेंगे कि जो हायर प्लांट्स होते हैं जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रपोगेशन करते जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा और सेक्सुअली भी कर सकते हैं बट वेन आई टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे डू ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलो अभी बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ए हो चुका है लेस लेट्स मूव चलो अब अपने बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लेट्स सी क्या बोलती है एनसीआरडी एनसीआरडी बोलती है कि इसमें हमें दो चीजों की आवश्यकता है एक मेल गैमेट की और दूसरा फीमेल गैमेट की कायदे सर सी बात है मेल जो है वो स्पम बनाएगा या पोलन ग्रेन बनाएंगे फीमेल जो है वो एग्स बनाएंगे ठीक है ओवा बनाएगी ये उसका काम रहता है ओके हम लोग ऑफकोर्स देखते हैं एक ऑपोजिट सेक्सेस की जरूरत रहती है एक मेल एक फीमेल दोनों की आवश्यकता रहती है एंड ऑन दी अदर हैंड ये नॉन आइडेंटिकल बच्चे देती है कायदे सर सी बात हमने पहले से ही अच्छी तरीके से समझ लिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली exactly क्या क्या चीजें होती है तो वट दिट इट इज कि ये पूरे लाइफ स्पैन को इन्होंने पांच हिस्सों में बांट दिया ठीक है पांच स्टेजेस में बांट दिया सबसे पहला जो स्टेज आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ ठीक जब अपने पैदा होते हैं नेक्स्ट थिंग आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज योर ज्यूवनाइल ओके इसको अपने बोलते हैं ज्यूवनाइल स्टेज जूवेनाइल स्टेज का मतलब हो जाता है वो स्टेज जहां पे हम सिर्फ बड़े हो रहे हैं ठीक है हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं हम अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव करने वाले हैं हुए नहीं है <coughs> <coughs> इस एक्टिव तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेक्सुअली एक्टिव हुए नहीं है बस होने जा रहे हैं ओके okay? तो ये इंसानों में या एनिमल्स में बोला जाता है यही चीज जब प्लांट्स में होती है तो हम लोग इसको वेजिटेटिव बोलते हैं ओके okay? नाउ इसके बाद आ जाता है अब हमारा मान लीजिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे डेवलप हो चुके हैं तो अब आ जाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज ओके okay? ये आ गया रिप्रोडक्टिव स्टेज अब रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया रिप्रोडक्शन कर लिए बच्चे पैदा कर लिए उसके बाद आ जाएगा सेनेसेंस सेंस सेने सेंस मतलब बुढ़ापा जहां पे अब आप सेक्सुअली इनएक्टिव फिर से हो रहे हो पर जिंदा हो बट इनएक्टिव होते जा रहे हो धीमे धीमे भी बुढ़ापा आ रहा है और फाइनली राम राम सत्य ठीक है तो ये पांच में इन लोगों ने बांट दिया है डिपेंडिंग अपॉन द एज स्केल ओके okay, तो हम एक एक को धीमे धीमे पढ़ते हैं सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही लंबा कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्लो प्रोसेस है सब पहले से देखा हुआ है ठीक है एज कंपेयर टू द एक्चुअल ये सब ऑफ कोर्स कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है यहां पे हम लोग देखते हैं ग्रोथ टू रीच द मेच्योरिटी मतलब अपने आप को जब मैं डिक्लेयर करूँ कि हाँ नाउ आई एम मेच्योर ठीक है बचपन का जो पूरा टाइम होता है ओके okay? जिसमें हम अपने आप को सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं अभी तक मेच्योर नहीं हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं ज्यूवेनाइल फेस और यही चीज प्लांट्स में भी आती है प्लांट्स ऐसा थोड़ी होता है कि पहले ही दिन वो लोग एक छोटा सा शूट बना उसमें से फ्लावर उग जाता है ऐसा थोड़ी होता है पहले प्लांट एक कंसिडरेबल हाइट तक पहुंचती है डेवलप होती है फिर जाके फ्लावर प्रोड्यूस करती है राइट right? तो वो जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसको अपने वेजिटेटिव फेस का नाम दे देते हैं प्लांट्स में नाउ इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट्स एक बार फ्लावर आ गया मतलब कि उसका वेजिटेटिव फेस हो गया है खत्म अब नया फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज हो चुका है शुरू जैसे कि हमारे में भी हम भी क्या करते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं यस और नो ठीक है yes no? फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती है उसे करती है तो एक बार वो स्टार्ट हो जाए फिर भी अपने देखते हैं कि काफी टाइम के बाद मेच्योरिटी अटेंड हो जाती है नाउ डिपेंडिंग अपॉन जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स नाउ वी आर सी अबाउट एनुअवल मतलब जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में खत्म कर दे ठीक है मतलब कि पांचों के पांच स्टेजेस ऑफ लाइफ एक ही सीजन में खत्म कर दे तो हम क्या उसको देख सकते कि हां भैया तू बड़ा हो रहा है तेरे में फ्लावर लगे फर्टिलाइजेशन हुआ पॉलिनेशन हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ तू बूढ़ा हुआ तू मर रहा है यह मैं आराम से डिस्टिंगविश कर सकता हूं ठीक है तो एनुअल वाले कौन होते हैं दे फ्लावर ऐसा लिख देता हूं one time. Okay? एक ही बार फ्लावर करते हैं बट वेन आई टॉक अबाउट बाइनियल नाम से ही पता चल गया होगा बाइनियल का मतलब इनमें दो सीजन का ग्रोथ होता है और हम लोग देखते हैं कि वो कभी कभार टू टाइम्स फ्लावरिंग भी कर सकते हैं तो इन दोनों में फिर भी एक टाइम आप जज कर सकते हो कि वेजिटेटिव कौन सा है और ज्यूवनाइल मतलब जुविनाग और वेजिटेटिव से, ओके सो so वेजिटेटिव कौन सा है रिप्रोडक्टिव कौन सा है आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बट यही चीज हम बात करें पेरिनियल के बारे में ओके तो उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ठीक है सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस क्योंकि ये बार 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 बार, बार साइकिल रिपीट करता रहता है तो कब क्या कब कैसे हो रहा है नहीं पता चलता ठीक है ना कुछ अनयूजअल बातें करते हैं कुछ काफी हटके बातें करते हैं तो है बैंबूस. बैंबूस है? अनयूजल है, है, उसका लाइफ स्पैन जितना भी हो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 70 ईयर है तो 70 ईयर्स का जो एज टाइम ड्यूरेशन होगा वहां पे वो फ्लावर करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम इट ठीक है सो so, यस yes, बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा और फिर मर जाएगा ठीक है और यहाँ पे हमारे पास है कुंटियाना आ गया ना हमारे पास ओके स्ट्रो बिलेंथस कुंतियाना के बारे में अपने बात करें जिसको हम लोग प्यार से नीला कूरिंजी बोलते हैं जो कि साउथ इंडिया में प्रोड्यूस होता है ठीक है और वो भी फ्लावर करते हैं बारह साल में एक बार लास्ट टाइम मतलब 2006 का आपके बुक में दिया गया है लास्ट टाइम 2018 में हुआ था तो अब कब होगा वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए ठीक है तो बारह साल में एक ही बार फ्लावर करता है एक्चुअली खुद को बचाने के लिए कि भाई कोई आ, हमारा मिस ना कर दे या लाइक अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए वो ये टेक्निक यूज करता है कि बारह साल में एक ही बार पॉलिनेशन करेंगे जब करेंगे बहुत करेंगे ठीक बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में प्लांट्स के बारे में पूरी चर्चा कर ली vegetative के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब बात करते हैं plants के बारे में, तो प्लांट्स में हम लोग देखते हैं ऑफकोर्स जुवेनाइल फेस में क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं आपने देखा होगा कि भाई बचपन में बंदा कितना क्यूट दिखता है जैसे ही वो टीन पास करता है उतने में ऐसे थर्ड जैसा बन जाता है ठीक है मेरे सामने ऐसे बच्चे हुए हैं बहुत सारे जो एकदम छोटे छोटे थे मेरे से छोटे थे अब मेरे से इतने लंबे लंबे खड़े हैं मेरे सामने ठीक है सो दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस ज्यूवेनाइल फेस ओके और हां एक और चीज की वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में भी एक्टिव हो जाते हैं ठीक है नाउ दे आर अल्टीमेटली बिकमिंग मेच्योर ओके बात करें बर्ड्स के बारे में जो नेचुरली रहते हैं ना वो सीजनल अंडे देती है सीजनल अंडे का मतलब क्या हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन सीजन कोई गर्मी में अंडे देगी कोई विंटर्स में अंडे देगी ओके सो डिपेंडिंग अपॉन सीजन वो अंडे देते हैं बट जब बात करें पोल्ट्री के बारे में तो पोल्ट्री के अंडे वो आजीवन चलते रहते हैं वो हमेशा दे आर मेड टू ले थ्रू आउट ईयर पूरे साल भर साल उनको अंडे देने रहते हैं तो ये थोड़ा बहुत मैन्यूबेशन है ठीक है ये थोड़ा बहुत चेंजेस की जा रही है नेक्स्ट यहां पे हम देख रहे हैं कि जो प्लेसेंटल प्लेसेंटल्स में, होते हैं प्लेसेंटल मेमल्स का मतलब क्या जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करती है लाइक ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स में भी प्लेसेंटा होता है अब वो कैसे होता है वो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे बट इतना समझ लीजिए प्लेसेंटा जो है वो माँ को बच्चे के साथ कनेक्ट करके रखने में मदद करती है तो हम मेमल्स के बारे में जिनमें प्लेसेंटा बनती है उनकी एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं राइट तो हम लोग देखते हैं साइक्लिक चेंजेस आ जाती है ओवेरीज में ठीक है और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आती है ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव फेस रिप्रोडक्टिव फेस में उनमें अंदाधू आप विश्वास नहीं करोगे यार लड़कियों में इतना हार्मोनल चेंजेस हमें देखने को मिलेगा ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल यू वोंट बिलीव गाइस जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे तब आपको पूरा क्लियर होगा कि कितना फ्लक्चुएशन होता है ओके नाउ दिस साइक्लिक चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर ईस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्रेमी अब नॉन प्रीमेड्स का मतलब क्या हो जाता है नॉन गए काउ आ गया डॉग आ गया डियर आ गया रैट आ गया शिप आ गया टाइगर आ गया मतलब तीन मैं अभी बात करूंगा प्रिमेड्स कौन होते हैं नॉन प्रीमेड्स में मोस्टली सारे एनिमल्स आ जाते हैं वो जो करते हैं वो करते हैं ईस्ट्रस साइकिल प्लीज याद रखना ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत अंतर होता है साइकिल में बहुत कम खून निकलता है और वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही करते हैं जैसे कि आप डॉग के बारे में बात करो तो वो रेनी और विंटर वाला जो टाइम स्लॉट रहता है ना खास करके रेनी खत्म होते हुए और विंटर की एंट्री उस टाइम पे रिप्रोडक्शन करती है तो वो तभी ईस्टर साइकिल करेगी दे आर वेरी पिक्युलर टू द सीजन ओके और उनमें ह्यूमन बींग्स की तरह इतना ब्लीडिंग नहीं होता जितना ह्यूमन बींग्स करते हैं उतने ब्लीड वो लोग नहीं करते हाँ एक और चीज बोलता हूँ दैट इसमें ईस्ट्रोजन की जो मात्रा रहती है वो बढ़ जाती है ईस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है वो थोड़ी सी हाई रहती है और बॉडी जो है वो थोड़ी सी हीटअप हो जाती है ओके okay. और ईस्ट्रोजन वो भी मैं लिख देता हूं ईस्ट्रोजन लेवल इज वेरी वेरी हाई डन तो हम लोग देते हैं ये हो गया आपका ईस्ट्रस साइकिल खत्म इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक और साइकिल जो आ रहा है जो कि प्रीमेड करते हैं प्रीमेड में आ जाता है आपका मंकीज एप्स और ह्यूमंस ठीक है तो हम करते हैं मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल अब साइकल कोई सीजन देख के नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल अंधाधुन पूरे आजीवन होता रहता है रिप्रोडक्टिव फेजेस के दौरान ठीक है वो हमेशा हम देखेंगे कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल लगा पड़ा रहेगा ठीक है कंटिन्यूसली हॉर्मोनल चेंजेस कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होता ही रहेगा ओके सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन और हाँ यहाँ पे मैंस्ट्रल साइकिल में बहुत ब्लड लॉस होता है ठीक है ईस्ट्रस साइकिल में ब्लड लॉस इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनके जो अंदर का जो लेयर है ना वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं दे आर अगेन बैक एंडोमेट्रियम बोलते हैं मैं वापिस से जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन कराऊंगा तब मैं आपको वापिस से बताऊंगा ये एंडोमेट्रियम क्या होता है पर ह्यूमन बींग्स में कैसा रहता है ना लड़कियों में कि वो एंडोमेट्रियम अंदर का जो लेयर है वो बाहर झड़ता है इसीलिए इतना खून निकलता है पर वे ईस्टर साइकिल में ये एंडोमेट्रियम नहीं निकलता सो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उन उनस्टर साइकिल में उतनी ब्लीडिंग नहीं होती बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और दर्द भी ठीक बात करते हैं नेक्स्ट यहां पे हम देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन द ब्रीडिंग सीजन हम देखते हैं सबसे पहले आ जाता है सीजनल ब्रीडर्स अब सीजनल ब्रीडर्स कौन होते हैं सीजनल ब्रीडर्स एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं जैसे कि मैंने अभी साइकिल में मैंने आपको बताया कि वो एक पर्टिकुलर सीजन पे ही ब्रीड करेंगे उसके अलावा नहीं ठीक है हम यहां पे क्या देखते हैं कि हां जी दे एग्जिबिट साइकिल ओनली ड्यूरिंग अ फेवरेबल सीजन जैसे कि डॉग्स एक पर्टिकुलर सीजन पे ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे बाकी पूरे साल नहीं करते आप उनको कभी पूरे साल नहीं देखोगे सिर्फ इंटरेस्ट के टाइम देख पाओगे ठीक है सो दिस इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडिंग ब्रीडिंग एंड आई टॉक अबाउट इसमें हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं जहां पे हम कोई सीजन नहीं देखते एंड वी आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग एक्टिव हैं ठीक है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीजनल एंड अ अंटीन्यूअस नाउ वेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज का कंप्लीट हो चुका है ठीक है हम लोगों ने जीवन भी देख लिया रिप्रोडक्टिव भी देख लिया अब बात आती है बुढ़ापे की ठीक है हम देखते हैं कि ये सबसे लास्ट फेज है लाइफ स्पैन का उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज तो हो जाती है खत्म ओके सब कुछ स्लो डाउन होता है हमारे अंदर का जो भी मेटाबॉलिज्म है हमारा रीजनरेटिंग पावर ठीक है सेल डिविजन का पावर बोन फॉर्मेशन का पावर सब कुछ धीमे 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 अब उतरता चला जाएगा ठीक तो यस yes, तब तक उतरेगा जब तक हम मर ना जाए डन सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेनिसेंस अब यहां पे हम क्या देखते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स कॉजेस ट्रांजिशन ज्यूवेनाइल रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंस फेस तो जो भी काम है वो किसके हाथ में है जी हॉर्मोन्स के हाथ में हॉर्मोन्स की वजह से ही हम लोग ज्यूवेनाइल से रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से सेनीसेंस वाले एज में पांव रखते हैं ठीक ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि ऑफकोर्स हॉर्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड दी एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो हम लोग देखते हैं बहुत कुछ मैटर करती है हम लोग देखते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन भी मैटर करते हैं कि भाई जैसे अभी सीजनल ब्रीडर्स में हमने देखा कि सीजन बड़ा मैटर करता है इनके लिए ठीक है हॉर्मोन्स अंदर से हॉर्मोन क्या निकल रही है तब भी मैटर करता है ओव्यूलेशन के टाइम पर थोड़ा सेक्शुअली ज्यादा एक्टिव रहता है है ना बॉडी सो दैट इज ऑल थिंग्स दैट वी ऑब्जर्व इन अ रिप्रोडक्टिव फेजेस ठीक है चलो अब आगे देखते हैं यहां पे पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसके पहले क्या क्या होना पड़ेगा तो उसमें सबसे पहले स्टेप आ जाता है इज़ कॉल्ड गैमिट्स और जेनेसिस का मतलब हो जाता है सिंथेसिस ठीक है तो हम लोग देखते हैं आ जाता है टर्म गेमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन या गैमेट का सिंथेसिस ठीक है इन दैट एक बार गैमेट बन जाए उसके बाद उस गैमेट को मेल से निकाल के फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर दो मेन इवेंट्स के ऊपर हमें फोकस करना है चलो पहले बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट बनती है वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया ठीक है नाउ अब गैमेट होते कैसे हैं तो गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड मतलब हमारे जितने भी सेल्स हैं हमें पता है कि उसमें 46 सिक्स क्रोमोजोम्स है ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं ठीक है 46 सिक्स क्रोमोजोम्स है बट इसको अपने बोलते हैं डिप्लॉइड बट जब ये गैमेट बन जाएंगे जब ये स्पर्म बनेंगे एग बनेंगे तो हम देखेंगे कि ये हेप्लॉयड बन जाते हैं मतलब अब सिर्फ ट्वेंटी थ्री ही रहते हैं ठीक इसके ऊपर से अब गैमेट्स के भी अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं फर्स्ट इज कॉल्ड एज योर गैमेट्स। होमो का मतलब हो जाता है सेम ओके होमो का मतलब हो जाता है सेम और हेटेरो का मतलब हो जाता है डिफरेंट तो इन दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान देते हैं होमोगैमिट को दूसरा नाम भी दिया गया है विच इज कॉल्ड एज योर आइसोग होमोगैमिट मीन्स जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कते सेम दिखने वाले और हेट्रो मतलब मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग दिखने वाले सो so, चलो होमोगैमिट होमोगैमिट्स uh, के बारे में बात करते हैं या आइसोगट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि यहां पे सिमिलर गैमिट्स होती है और आप कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं गाइज नहीं कर पाते हैं कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है और इसमें आप देख सकते हो क्लैडोफोरा लिखा हुआ है विच इज दामन एग्जाम्पल ऑफ योर ओके okay, फिर आ जाता है हेट्रोगैमिट्स हेट्रोगैमिट्स की तरफ हेट्रो में हम ह्यूमन भी आ जाते हैं ठीक है थीके? आपको पता रहेगा एग सबसे बड़ा सेल होता है सबसे छोटा सेल्स होते हैं राइट दोनों का साइज अलग एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है तो ऐसे करके कैरेट्रिस्टिक भी अलग है सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज येट्रोग जहां पे मेल और फीमेल गैमेट आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको अपने एंथ्राजॉइड बोलते हैं प्लीज याद रखना ये वर्ड एंथ्राजॉइड कैसे याद रखोगे ओके हम देखते हैं एंथर एंथर जो होता है प्लांट्स में एंथर जो होता है वो मेल पार्ट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है तो इसलिए इसको एंथ्रोज़ॉइड्स बोला जाता है और जो फीमेल पार्ट होती है दे बेसिकली प्रोड्यूस दी एग और दी ओवा सो so, एग्जाम्पल में हम भी आते हैं फ्यूकस भी आता है विच इज एन एल ओके okay?

इन द सेम इंडिविजुअल तो बाई प्लांट में हिबिस्कस आ जाता है ओके और पाइसम भी अपना आ जाता है दैट इज योर पी प्लांट उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम लोग इन फ्लावरिंग प्लांट मेल फ्लावर्स आर कॉल्ड एसटेमिनेट फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आर कॉल्ड एस पिस्टिलेट ये हम लोग आगे भी देखेंगे और मॉर्फो में भी आ चुका है तो एक फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल हो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनेट क्योंकि स्टेमन वर्ड आता है स्टेमन मतलब मेल पार्ट और जो फीमेल जिसमें से फीमेल होती है उसको अपने बोलते हैं क्योंकि वो से female part carry out करते okay? carry out करते Next thing. जब 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 हम लोग देखेंगे कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में मौजूद है उसको मोनोइशियस बोलते हैं. कैसे याद रखोगे मोनो मतलब एक ओके okay. मोनो का मतलब हो जाता है एक मतलब एक ही प्लांट में यदि दोनों मौजूद हो उसको मोनोशियस बोलेंगे ठीक है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर मोनोइशियस एनिमल्स के बारे में बात करें तो उनको अपने हर्मा फोरोडाइट बोलते हैं जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था उसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहां पे जरा सब लोग आंखें घुमाएंगे दिस इज दर्थ वॉर्म बाइसेक्शुअल एनिमल है इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इसके टेस्टीज रहते हैं नीचे की तरफ इसके ओवरीज रहती है दोनों चीजें मौजूद है वो हर्मा में हम लोग इसको काउंट करते हैं या बाइसेक्शुअल एनिमल्स आप इसको बोल सकते हैं ठीक उ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन दूनिसक्शुअल मतलब जिसमें मेल अलग फीमेल अलग ठीक है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एक प्लांट में सिर्फ मेल होंगे एक प्लांट में सिर्फ फीमेल होंगे दे आर बेसिकली कॉल्ड एज योर दे आर बेसिकली कॉल्ड एज योर मोनो सॉरी डाइशियस प्लांट ठीक है तो ये में हम लोग क्या देखते हैं बेस्ट एग्जाम्पल इज योर जो पपैया होते हैं वो क्या करते हैं दोनों अलग, ठीक? ऐसे सेम चीज एनिमल्स भी होते हैं, कोर्स द कॉकरोच एज यू कैन सी कॉकरोच में मेल पार्ट अलग रहते हैं और फीमेल पार्ट पूरी पूरी अलग होती है ठीक एंड इवेंचुअली हायर एनिमल ओके हम देखते हैं फंगस मे बी होमोथेलिक होमोथेलिक मतलब बाइसेक्शुअल भी हो सकता है ओके एनसीआरटी ने ये शब्द यूज किया है बाइसेक्शुअल ओके और हेट्रोथेलिक भी हो सकता है हेट्रोथेलिक मतलब यूनिसेक्शुअल्स भी हो सकते हैं बहुत बड़ा है अपना यह फंगस मीन्स बहुत सारी कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिल जाती है ठीक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट यहां पे बताया गया है सेल डिवीजन डूरिंग गैमेट फॉर्मेशन अब अब एक चीज मैं आपको बताता हूं बहुत सारे मोनेरंस होते हैं फंगस होते हैं एलगे ब्रायोफाइट दे आर पेरेंटल बॉडी पर पहले एक चीज समझते हैं हम लोग कभी भी बात करें एक गैमेट्स के बारे में तो गैमेट में हम लोग हमेशा हैप्लॉयड कंडीशन ही देखने की कोशिश करते हैं बट यदि पहले से ही पेरेंट बॉडी हैप्लॉयड हो ठीक है मान लो कोई पेरेंट बॉडी है वो यदि पहले से ही हैप्लोइड है तो अब हैप्लोइड से थोड़ी और कोई अपने सब डिविजन करने वाले बिल्कुल नहीं राइट हम लोग देखेंगे वो हैप्लोइड है तो हम लोग हैप्लोइड ही रहने देते एक काम करते हैं लेट्स जस्ट डू सिंपली माइटोसिस हम लोग उसमें सिर्फ माइटोसिस करेंगे और उसमें से बनेंगे गैमेट्स याद रखना है जिनकी बॉडी पहले से ही हैप्लॉयड है उनको मियोसिस करने की जरूरत नहीं है ठीक है हां यदि बॉडी पेरेंट बॉडी यदि मैं ऐसा बोलूं कि जो पेरेंट बॉडी है वो पहले से ही डिप्लॉयड है टूवेल वाले स्टेज में है तो उनको करना पड़ता है मियोसिस और मियोसिस करके एप्लॉयड बनने पड़ते हैं और वो हमारे गैमेट्स बनेंगे इज दैट क्लियर डन गाइज सो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पम एनिमल्स हम सबके डिप्लॉयड बॉडी होती है हमारे अंदर टू एन वाला स्टेज है तो हमें क्या करना पड़ता है मियोसिस करना पड़ता है तब जाके हमारे जो गैमेट्स है वो हैप्लॉयड बनते हैं और जिनके पहले से है वो माइटोसिस ही करें उनको मियोसिस करने की जरूरत नहीं है प्लीज याद रखना यह लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है आपके एनसीआरटी में ठीक है यहां पर मैंने एक चार्ट भी देख रखा हुआ है वो चार्ट में आप जरा ध्यान दीजिएगा वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डिप्लॉयड कंडीशन और कंडीशन बताई गई है किसमें कितने है उसका पूरा लिस्टिंग दिया गया है ओके नाउ गैमेट ट्रांसफर अब मुझे पता है इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन ऐसे होते हैं कि जो मेल पार्ट होते हैं वो ही मूवेबल होते हैं उनमें मोटिलिटी रहती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं अगर एस फीमेल पा, पार्ट के बारे में बात करूं तो इमोटल होते हैं इमोटाइल होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते तो इधर मेहनत पूरी पूरी मर्दों को करनी पड़ेगी मर्दों को निकल के उड़ के तैर के कुछ भी करके पहुंचना पड़ेगा फीमेल के पास ठीक, हम देखेंगे कि यदि मुझे फर्टिलाइजेशन करना है तो मेल गैमेट को कुछ भी करके फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ेगा हम देखते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द कंडीशन मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट बेसिकली स्टेशनरी होती है वो मूव नहीं करते ठीक है कुछ कुछ हम लोग देखते हैं फंगस और एल्गे टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा होमो गैमेट्स, होमो गैमेट्स में, में मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही मोटाइल है ठीक है दोनों ही मोटाइल है दोनों के पास प्लेजीलेथ है और दोनों ही मूव कर सकते हैं दोनों ही आके टकराते हैं फ्यूज करते हैं बन जाते हैं ठीक है ठीके? तो इन सम कंडीशन इन सम एल्गे एंड सम फंगस हम देखते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं नेक्स्ट बात करें सिंपल प्लांट्स के बारे में इनको पानी चाहिए प्लीज याद रखना इसमें से क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एमसीक्यू बेसिस पे आ चुका है एनसीआर में आ चुका है सो so, कभी भी अपने छोटे छोटे प्लांट्स सच एज योर ब्रायोफाइटा आलगेटेरिडो फाइटास के बारे में बात करें उनको पानी चाहिए बिना पानी का मेल गैमिट्स तैर के फीमेल तक नहीं पहुंच पाते ओके okay, अब बात यह भी आ जाती है कि सर मेल गैमिट्स को तैर के फीमेल तक पहुंचना इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बहुत कम ठीक है हजार पोलन ग्रेन या हजार स्पम के जा रहे हैं उसमें से सिर्फ एक शायद फीमेल तक पहुंच पाएंगी तो इसी वजह से हम देखते हैं वी नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत सारे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स भी हम भी बहुत ज्यादा मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे में से बहुत सारे तो आधे थक जाएंगे आधे मर जाएंगे ओके आधे आधे स्प्लिट हो जाएंगे सो तो बहुत नाटक है scenario इन सीड प्लांट्स मतलब एनजीओस्पम की बात कर रहे हैं ठीक है सीड प्लांट्स मतलब ही की बात चल रही है यहां पे हम देखते हैं पोलन ग्रेन्स बनता है ओके पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट होती है और ओव्यूल के अंदर एग होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुँ. ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे इसी हफ्ते में हम लोग पढ़ेंगे फिर से हम देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके मेल गैमेट्स होते हैं और ओव्यूल के अंदर होते हैं एग एंड दिस पोलन ग्रेन्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द फीमेल दैट इज कॉल्ड एस पॉलिनेशन जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ठीक है तो मैं उसके बारे में ज्यादा विस्तार पर तो नहीं बताऊंगा बट थोड़ा बहुत बता देते हैं हाँ जी जो बाई होते हैं जो पहले से ही बाई होते हैं जिनमें एक ही फ्लावर में, में मेल भी होता है फीमेल भी होता है उनको ज्यादा झंझट नहीं है क्योंकि उसी के मेल को के उसी के फीमेल में बैठना है राइट तो हम क्या यहां पर देख रहे हैं कि एंथर और स्टिग्मा काफी एक दूसरे से करीब होते हैं और पोलिन पोलन का जो ट्रांसफर है वो बहुत आसान है क्योंकि एक ही फ्लावर में जाना है इधर ही मेल है उसके बगल वाले फीमेल में बैठना है दैट्स इट सो सेल्फ इज वेरी इजी इन देम बट व्हेन आई टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जब पोलन ग्रेन काफी दूर से निकल के फीमेल तक पहुंचना पड़ता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है उसमें हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है हमें इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है हवा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है पानी के ऊपर रहना पड़ता है सो so, यस yes, करना पड़ता है ओके okay? के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ जाती है एजेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है सो पोलन ग्रेन एक बार पहुंच जाते दे जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट्स रीच ओव्यूल एंड डिस्चार्ज द मेल गैमेट इनटू द एग इसका मतलब क्या है हम देखेंगे कि भैया जी एक फीमेल पार्ट जो प्रेजेंट रहती है फीमेल पार्ट के ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन पहुंचता है वो पहले एक ट्यूब बनाता है और हमें पता है कि फीमेल के नीचे वाले पार्ट में ओव्यूल मौजूद रहती है तो हम देखेंगे कि ये जो ट्यूब है जो पोलन ट्यूब है वो फीमेल के अंदर जाएगी और फिर वो अपना मेल गैमेट छोड़ देगी और ओव्यूल के अंदर तो पहले से ही फीमेल गैमेट है मेल गैमेट फीमेल गैमेट आ चुके हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब ठीक ओके okay. हम लोग देखते हैं कि इसमें भी एनिमल्स में भी कुछ इसी तरीके से ट्रांसफर होना पड़ता है इंटरकोर्स होते हैं एंड दिस ऑल स्टफ टेक्स प्लेस ओके गाइस सो यहां पे अब बात आ दिसका है, है अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है संगम हम लोग देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट अब एक दूसरे के पास आ चुके हैं दोनों को मिलना है अब ये कैसा है तो हम देखते हैं कि यस ये जो फ्यूजन होता है इसको हम लोग बेसिकली बनते हुए देखते हैं एक डिप्लॉइड जयकॉट को हम देखते हैं कि वी आर बेसिकली हैविंग एन स्पर्म हैप्लॉयड एग दोनों जुड़ गए दोनों जुड़ के अ बॉडी बनाने की कोशिश करेंगे यस और नो बट कुछ कुछ चीजों में हनी बीस रोटिफर्स बर्ड्स इनमें खास करके टर्की ठीक है उनमें हम लोग देखते हैं कि फीमेल अपने आप बच्चा प्रोड्यूस कर सकती है इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर पार्थिनोजेनेसिस दिस इज कॉल्ड एज योर parthenogenesis. और पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल देखो वहां पे डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए जो फीमेल है फीमेल पहले एग प्रोड्यूस करती है which विल बी haploid. मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो भी होगा ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तब ये क्या बनेंगे तो मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ फ्यूज करके बॉडी बनेगी और ये डिप्लॉयड बॉडी जनरली होती है महिला याद रहेगा यदि डिप्लॉयड हुआ तो वो महिला बनेगी पर यदि मान लो, मान लो लो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो मियोसिस के बाद एग बना रही है विच इज एन और उसको लगता है कि यार मेरे मधुमक्खी के छत्ते में ज्यादा मेल है नहीं तो क्या करेगी वो करेगी चुपचापेनेसिस शी विल बी एबल टू डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन विल बी एबल टू प्रोड्यूस है याद रखना है मधुमक्खियों में हैप्लॉयड होते हैं मेल और डिप्लॉयड होती है फीमेल तो यदि स्पमोरे का फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉयड बनेगा और डिप्लॉयड बना तो कायदे सर सी बात है वो फीमेल होगी ठीक है और यदि हैप्लॉयड ही रहे तो वह बनेगा मेल ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट अब फर्टिलाइजेशन के भी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एंड सेकंड वन इज इंटरनल ऐसा क्यों बोला गया एक्सटर्नल नाम सुन के पता चल गया होगा कि वो शरीर से बाहर हो रहा है यस yes, हाँ जी बिल्कुल एक्सटर्नल मीडिया पानी की जरूरत रहती है एक्सटर्नल मीडिया बाहरी प्रोड्यूस हो जाता है हम देखेंगे जयगॉट बाहर बनता है शरीर के ज्यादातर जितने भी एक्वेटिक एनिमल है सच एज द एग्जाम्पल इज योर बोनी फिश क्योंकि कार्टिलेजीनियस जो फिश होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन uh, करती है तो ये जो बोनी फिश होते हैं वो एक्सटर्नल करती है ठीक है बहुत सारे एल्गे होते हैं ये लोग क्या करते हैं ना ये लोग अपने एग और स्पम एक साथ प्रोड्यूस करते हैं इन अ पर्टिकुलर स्पॉट ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो इनमें बहुत बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए सिंक्रोनी बहुत तगड़ी होनी चाहिए जिस टाइम पे फीमेल एग छोड़ रही उसी टाइम पे मेल को स्पर्म छोड़ना पड़ेगा गाइस ठीक है ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है और ये देखो यही नहीं बल्कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन मीडिया टू एंश्योर सिंह भाई बहुत सारा क्योंकि हमें क्या पता बाहर से पानी बह रहा है या कहीं से भी कोई प्रिडेटर आ जा रहा है जो उसके अंडों को खा जाएगा या स्पॉन्ग को फ्यूज नहीं होने देगा तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं बहुत सारे गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और सिंक्रोनी मेंटेन करना बहुत जरूरी है ठीक ओके बट डिसएडवांटेज क्या है जैसे कि देख लो हाईली वन ओके

प्लीज़ याद रखिएगा सिंगामी फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम सिंगामी होता है यहां पे अंदर होता है शरीर के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन यहां पे हम देखेंगे बिलोंगिंग टू फनजाई एनिमल्स प्लांट्स ठीक है प्लांट्स में भी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर सकते हैं जहां पे एग जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है मैंने आपको पहले ही बताया एग नहीं मूव करते जो भी करना है मर्दों को करना है ठीक है तो हम देखेंगे कि जो मेल होते हैं या फिर वो मोटाइल होंगे या फिर उनको उड़ा के लाया जाएगा ठीक है एंड दे फाइनली रिचेज एंड फ्यूजेस ठीक है डन दैट्स इट अब सीड प्लांट के बारे में बात करें तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट देखो मेल गैमे, पोलन ग्रेन कभी उड़ तोड़ी सकते हैं अभी नॉन मोटाइल मेल गैमेट मतलब ये लोग बात करें पोलन ग्रेन्स के बारे में किसके बारे में पोलन ग्रेन्स के बारे में अब पोलन ग्रेन्स थोड़ी उड़ सकते हैं वो थोड़ी मोटाइल होते हैं तो वॉट दे विल डू क्या करेंगे वो बीज यूज करेगा हवा यूज करेगा पानी यूज करेगा कुछ भी करेगा पर फीमेल तक पहुंचेगी बराबर है कि नहीं ठीक है तो दे आर कैरि टू द फीमेल और एक बार फीमेल तक पहुंच भी गया स्टिग्मा तक पहुंच भी गया तो उसके बाद वो पोलन ट्यूब बनाता है मैंने अभी अभी फिगर में बताया तो पोलन ट्यूब बना के वो अंदर घुसेगा ठीक है एंड फाइनली हम लोग एक और चीज जो देखते हैं दैट अ लार्ज नंबर ऑफ स्पम्स आर प्रोड्यूस एज कंपेयर टू द एग जो कि काफी कम रहते हैं हमें भी पता है ह्यूमन बींग्स में एग मांड एक प्रोड्यूस होता है मिलियंस में प्रोड्यूस होता है ठीक है क्योंकि बहुत कुछ स्पम्प को झेलना पड़ता है उस वजह से नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है अब बात कर करें अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तरफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि जयगॉट जैसे ही बन जाता है दैट डिपेंड अपॉन द लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म नेचर ऑफ दाइगॉट का डेवलपमेंट होगा वो इन सब चीजों के ऊपर यही नहीं बल्कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे राइट और तो और वो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्टाइकल पर भी, भी डिपेंड करता है ठीक है नाउ वेन आई टॉक अबाउट दर्मेशन इन एल्गी एंड फंगस हम देखते हैं दैट वो लोग अपने ऊपर एक थिक वॉल बना देते हैं ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जाए डेसिकेशन ना हो जाए मतलब डेसिकेशन मतलब डिहाइड्रेट ना हो जाए सूख ना जाए तो इसलिए क्या करती है अपने के ऊपर एक मोटा सा कवरिंग बना लेंगे ठीक है एंड नाउ दे विल अंडर गो उसके बाद जैसे एकदम सही वाला कंडीशन लगेगा फिर वो धीमे धीमे जर्मिनेट होना स्टार्ट करेगी ग्रो होना स्टार्ट करेगी माइटोसिस करेगी दे विल इंक्रीज इन नंबर डन नाउ इन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मिक दिस ग्रोस into, into the haploid इंडिविजुअल अब इसमें कैसा रहता है अब जैसे अभी अभी हमने बात की कि कुछ कुछ पेरेंटल बॉडी कुछ कुछ जो बॉडी होती, होती है ऑर्गेनिज्म की वो haploid होती है ठीक है बॉडी खुद haploid होती है तो उसके लिए क्या करना है अब मुझे थी. पता है कि स्पम और एग फ्यूज होके क्या बनी थी deploid zygote बनी थी तो वापस से ये जो डिप्लॉयड zygote है मुझे पता है इससे बच्चा बनने वाला था बट नहीं हमारा जो पेरेंटल बॉडी है वो खुद हैप्लॉयड है तो क्या करूं मुझे इसके नंबर को कम करना पड़ेगा हम देखेंगे कि ये हैप्लॉयड में भी वापस से मियोसिस होता है आप बोलोगे सर मियोसिस ऐसे हाँ जी बिल्कुल मियोसिस होता है क्योंकि उनको वापस अपना हैप्लॉयड बॉडी चाहिए समझ रहे हो यदि मेरे पास पहले से 23 क्रोमोसोम ही है मेरे बॉडी में और

ठीक है फिर ये दिमें दिमें जर्मिनेट होगा और फाइनली पूरा का पूरा एक बेबी बनेगा तो जो जायॉट है वो डेवलप किस में होगा जी एम्ब्रियो में ठीक है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एज योर एम्ब्रियो जेनेसिसन सेल सेल डिजन से क्या होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स सेल्स के नंबर बढ़ेंगे और डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है जी डिफ्रेंसिएशन का मतलब हो जाता है जैसे कि मान लो यू आर हैविंग अ स्टेम सेल्स अब ये स्टेम सेल्स बॉडी का कुछ भी बन सकता है इट कैन फॉर्म लंग्स इट कैन फॉर्म हार्ट इट कैन फॉर्म किडनी इट कैन फॉर्म एनी एनी ऑर्गन तो उसको वो सिग्नलिंग मिलना कि हाँ भाई ये कुछ इकट्ठे स्टेम सेल्स होंगे इनका काम सिर्फ और सिर्फ लंग्स बनाने का है सो दैट इज कॉल्ड एज यिशन मतलब सेल को एक मकसद मिल जाती है कि हाँ तेरे को आगे चल के ये ही बनना है

Organisms अलग अलग तरीके यूज करते हैं कैसे करके याद रखना है वो ध्यान दीजिए ओ ओ जो है वो कैसा दिख रहा है ओ जो है वो मुझे एक अंडे की तरह दिखता है तो ओ मुझे अंडे की तरह दिखता है इसलिए याद रखना है ओवीपेरस मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं दे आर कॉल्ड एज योर ओवी पेरस सो यहां पे देखो एग लेइंग लिखा हुआ रहेगा एनिमल ले फर्टिलाइज और अन एग्स ठीक है तो हम देखते हैं कि इनके बाहर एक कैल्केरियस शेल्स होती है कैल्केरियस मतलब मेड अप ऑफ कैल्शियम ओके मेड ऑफ कैल्शियम ठीक है एंड वो एकदम सेफ जगह में अंडे देती है और फिर उसकी क्या करती है इंक्यूबेशन जिसको अपने बोलते हैं हैचिंग ठीक है एकदम गरम रखती है उसके ऊपर बैठती है उसको गरम करती है आराम से उसको रखती है और फिर एक बार हैच हो जाए फिर इट विल बी हैचड आउट मतलब वो अंडे से बाहर निकल जाएगा इंक्यूबेशन इज बेसिकली दैट ड्यूरेशन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है डेवलप हो रहा है अंडे के अंदर ठीक है इंक्यूबेशन इन जनरल भी अपने यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पे बट इंक्यूबेशन का इन जनरल मतलब हो जाता है कि भाई एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है डन बात करते हैं वीवी पैरस के बारे में एक अंडे देने वाला होगा तो वीवी पैरस क्या होगा वीवी पैरस डायरेक्टली बच्चा देने वाला होगा ठीक है सो so, हम देखेंगे कि जो है वो डेवलप हो, हो जाएगा और फाइनली हम लोग देखेंगे वो बच्चे की डिलीवरी करेगी जो कि ज्यादातर मेमल्स करते हैं ठीक एंड बिकॉज ऑफ द पुअर केयर एंड प्रोटेक्शन क्योंकि बराबर तरीके से केयर और प्रोटेक्शन दी जाती है ठीक है एकदम बराबर तरीके से माँ अपने बच्चे को अपने अंदर अपने पेट में उसको पालती है तो बराबर का प्रोटेक्शन मिलता है ठीक है

बचने के चांसेस और डेवलपमेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है ठीक है सो यस बाय दिस वे वी हैव फाइनली फिनिश ऑफ द चैप्टर हमने सब कुछ समझ लिया है यदि पसंद आया हो तो लाइक like बटन और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए टिल देन अभी नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने सॉल्व करना मत भूलिएगा टिल देन फीस आउट